जो युवा अपने घर वालों से गुस्सा करते हैं, क्या उन्हें गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे बेघर की। आज बबलू अपने घर वालों से इतना परेशान हो चुका था कि उनकी बातों को बोले ही जा रहा था कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इतनी देर क्यों करते, उफ, हर बात पे रोक टोक, हर बात में नाराजगी। आज बबलू गुस्से से खाना छोड़कर घर से बाहर एक पार्क की तरफ बढ़ गया। मम्मी के लगातार फ़ोन से परेशान होकर बबलू ने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। पार्क में गेट से लगे एक बेंच पर बैठने ही वाला था कि इस ठंड भरी रात में उसकी नज़र एक शख्स की तरफ गई, जो पतली सी चादर ओढ़े बिल्कुल अकेला एक बैग लिए बैठा था। कुछ किताबें खोल उस बैग से लगी एक लाइट के नीचे वो किताबों में नज़र गड़ाए हुए था। ये सभी शायद मेरी तरफ से ही गुस्से से घर आया होगा लगता है। मैंने अपनी जैकेट की चैन बंद कर पॉकेट में हाथ डाला और वहीं पास में ही बैठ गया। रात के करीबन 10 बजे होंगे, हम दोनों के सिवा यहाँ कोई तीसरा नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मेरी नज़र बार बार उसी पर जा रही थी, मगर उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा। उसे देख ही महसूस हो रहा था कि उसे ठंड लग रही थी। उत्सुकतावश मैंने ही इससे पूछ ही लिया, तुम भी घर वालों से नाराज हो क्या? उसने मेरी तरफ देखा, फिर भी कुछ सोचने लग गया। मैं आपसे ही कुछ पूछ रहा हूँ, मैंने फिर उससे पूछा। उसने पहली बार किताबों को छोड़कर मेरी तरफ देखकर कहा, नहीं भाई, मैं उनसे नाराज क्यों होऊंगा? वो तो मुझसे मीलों दूर हैं। तो इतनी रात को यूं यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बड़ी ही उदास होकर कहा मुझसे, यहाँ जिस कमरे में मैं रहता था उन्होंने अचानक वो खाली करा दिया। उनकी कोई दूर की रिश्तेदार आई है, अब वही वहाँ रहेगी। एक कमरे की बात हुई है, पर वो मुझे परसों मिलेगा, कोई होटल ले नहीं सकता, अभी उतने पैसे नहीं हैं। उसकी बातें ख़त्म भी नहीं हुई कि उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। हेलो माँ। हाँ माँ, खाना खा लिया? अभी अभी खाया है माँ। हाँ ठीक से, हाँ ठीक हूँ माँ। पापा को बोलना कि वो मेरे लिए पैसों के लिए परेशान न हो, मैं मैनेज कर लूँगा। नहीं माँ, उतनी ठंड नहीं है यहाँ। हाँ माँ, मिल जाएगा। हाँ हाँ माँ, सब ठीक है, ओके, मैं फ़ोन रखता हूँ। और फ़ोन रखने पर उसकी आंखें भीग आई। उसे देखकर मैं भी आत्मग्लानि से भर आया और अपने फ़ोन को तुरंत ऑन किया। मम्मी का फ़ोन अब भी आ रहा था। हेलो बेटा, कहाँ है बेटे? कब से फ़ोन कर रही हूँ, घर आ जा जल्दी, पापा ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। आ रहा हूँ मम्मी। अच्छा सुनो, वो आगे वाला खाली कमरा पड़ा है, 2 दिन के लिए किसी को मिल सकता है क्या? मैंने मम्मी से उस लड़के की पूरी बात बता दी। फ़ोन पापा ने ले लिया, ले आ उसे भी, और सुन बात पर, सुन, घर छोड़कर नहीं जाते? पापा की आवाज़ मेरे लिए दर्द से भर गई। उसने मेरी आंखों में भी आंसू ला दिए। हाँ पापा, मैं उस लड़के का बैग उठा उसको अपने साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। घर क्या होता है, आज इस बेघर लड़के ने मुझे समझा दिया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमने ये जाना कि इस संसार में माँ बाप से बढ़कर आपका भला करने वाले संरक्षक और शुभचिंतक कोई नहीं होता। अतः अपने माँ बाप से प्यार करें, उन्हें सम्मान दें और ऐसे कभी भी घर से गुस्से में बाहर न निकले। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी वीडियो अच्छा लगे तो हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।